हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले रिमोट कंट्रोल पटाखे फोड़ने की मशीन, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारी वीडियो अब तक तुरंत पहुँचे बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इसे मैंने पहले यूज किया था किसी और प्रोजेक्ट बनाने में, आप चाहें तो नया ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक रिमोट कंट्रोल कार्ड लिया है और उसका रिमोट भी लिया है। उसके बाद एक ऑन ऑफ स्विच लिया और इसको हम बॉक्स में लगा लेते हैं। उसके बाद एक मोबाइल की बैटरी लिया, इसके में माइनस प्लस वायर हम सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद बैटरी का प्लस पॉइंट बटन के एक पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देंगे और बटन के दूसरे पॉइंट पे एक वायर सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद बैटरी का प्लस वायर कार्ड के प्लस पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देना और बैटरी का माइनस पॉइंट कार्ड के माइनस पॉइंट पे सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद इस कार्ड में एंटीना वायर एक सोल्डरिंग कर लेंगे, तो हमने इसमें सोल्डरिंग कर लिया है। उसके बाद इसे टू साइड टेप से बैटरी के साथ चिपका देंगे। तो गाइस, हम इसे डबल चैनल में बनाएंगे, आप चाहें तो इसको रिले की मदद से बना सकते हैं, लेकिन हम रिले से नहीं बनाएंगे क्योंकि हर जगह रिले नहीं मिल पाती हैं। तो इसे हम मोबाइल की बैटरी से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दो मोबाइल की बैटरी ले ली हैं और इस मोबाइल की बैटरी को एक हम चिपका देते हैं, दूसरी बैटरी को भी हम टू साइड टेप से चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों बैटरी को चिपका दिया है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बैटरी के वायर यहाँ पे निकल आए हैं माइनस प्लस। तो हमें एक बैटरी का प्लस पॉइंट लेना है और एक बैटरी का माइनस पॉइंट, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें मोटर के एक वायर पे सोल्डरिंग कर देना है जो कि कार्ड से आते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कार्ड से एक वायर बचा हुआ है, एक बैटरी का माइनस वायर बचा, एक बैटरी का प्लस वायर बचा। उसके बाद हमने दो रेड वायर लिए हैं और इसे हम बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इस वायर को निकाल लिया और यहाँ पे अंदर से एक गांठ लगा देंगे जिससे कि वायर बाहर जाए नहीं। उसके बाद हम इन दोनों वायर को जो कार्ड से एक वायर बचा था उस कार्ड में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दो ग्रीन वायर और लेंगे और इसको भी हम बॉक्स के अंदर डाल के अंदर से गांठ लगा देंगे। उसके बाद हमें इन दोनों वायर में एक एक बैटरी की वायर कनेक्ट कर देंगे, जिसका देख सकते हैं इसका माइनस वायर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद दूसरी बैटरी का प्लस वायर भी हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड, हमें इन वायर में टेप लगा देना है जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फ्रेंड, देख सकते हैं इसका एंटीना वायर, इसको कैच करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम एक एंटीना पिन लगाएंगे। तो हमने एक एंटीना पिन ले लिया है। उसके बाद हम इसको बॉक्स के ऊपर स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो हमने इसको दोनों साइड से स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया है, जिससे एंटीना पिन अच्छे से यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पे हम इसके स्क्रू में इस एंटीना वायर को सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने वायर को सोल्डिंग कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शन अंदर के पूरे हो, चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे चालू भी हो चुका है। उसके बाद हमें एक पेन की कैप को लेना है और इसको वायर के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम एक खराब एलईडी लेंगे और इसमें दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस कैप में इस एलईडी को अंदर डाल के इसको ग्लू स्टिक से भर देंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह दूसरे वाले कैप में भी करेंगे। तो देख सकते हैं हमने दोनों कैप को सेम ही बना लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं।
उसके बाद हम एक खराब सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट ले रहे हैं और इसमें जो वायर लगी है हम इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो किसी रेजिस्टेंस के अंदर से भी वायर निकाल सकते हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें से भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस एलिमेंट की वायर को निकाल लिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, इसी तरह दोनों में भी कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड चलिए हम इसमें थोड़ा लाइट बंद करते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं क्या सही में वर्क करता है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वायर हीट हो रही हैं, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों चैनल अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरफ हम बटन प्रेस कर रहे हैं उस तरफ का एलिमेंट हीट हो रहा है। तो चलिए हम इसमें एक पटाखे फोड़ के देखते हैं। तो हम आ गए अपने छत पर, तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। उसके बाद हम एक पटाखा रखते हैं, तो यहाँ पे हम इसका एंटीना भी खोल देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पटाखा लगा दिया, एक मोबाइल और लगा दिया जिससे वीडियो और अच्छे से मिल सके। तो देख सकते हैं हमने जैसे ही बटन प्रेस करी पटाखे में आग लग गई और पटाखा फट गया। तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।